राजस्थान में चुनाव प्रचार काफी तेज चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह भी इसमें शामिल रहेंगे। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावता ने इस बारे में जानकारी दी है। इस मौके पर सभापति संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। जी हां, आपको बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगी और वहां के लोगों को संबोधित करेंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब की चुनावी सभा यहां पर संबोधित होगी इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। उसकी तैयारी हमने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और पूरा इंदिरा गांधी स्टेडियम खचाखच भरेगा। हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें सुनने के लिए। चुनावी सभा संबोधित करके आगे बढ़ेंगे उन्हें, क्योंकि चुनावी सभाएं लगातार पांचों प्रत्याशी रहेंगे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे और हमारे जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि वो भी रहेंगे सभापति। इससे पहले शीर्ष नेताओं का क्रम कब दौरा रहा? देखिए 1955 में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू आए, इस पीढ़ी का ही बता रहा हूँ मैं आपको, और उसके बाद में राजीव गांधी यहाँ पर जिस जगह से वो सभा को संबोधित करेंगे। राजीव गांधी जी ने भी सभा को संबोधित किया है जब जिंक का शिलान्यास था, 89-90 की बात है। 1998 के अंदर विधानसभा चुनाव में सोनिया जी ने संबोधित किया और राहुल जी ने भी इसी जगह से संबोधित किया। प्रियंका जी जो है वो यहाँ पर पधार रही है। सौभाग्य है कि इंदिरा जी 79 में, 98 के अंदर सोनिया जी, 2023 के अंदर प्रियंका जी आ रहे हैं। शीर्ष नेताओं में कौन कौन मौजूद रहेगा सर साहब? है जी, शीर्ष नेताओं में कौन मौजूद रहेगा? अशोक गहलोत साहब की जानकारी है मुझे, उसके साथ हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह जी वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उनका फोन भी मेरे पास सुबह आ गया है। उसके साथ और प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, अगर पधार सके तो शायद वो भी आ जाए। रंधावा साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हो सकता है वो भी पधार जाए। उनके भी कंफर्मेशन नहीं है, जैसी कंफर्मेशन आएगी मैं आपको सूचित करूँ।